आज हम इक्वेशन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, बहुत ही इजी वे बता रही हूँ मैं। ये जो इक्वल है, इक्वल टू है, इसको आप समझ लीजिए रोड है ये, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए रोड है। कैसे? और दूसरी चीज, हमेशा एक्स को आपको अकेला छोड़ना है, यस, हमेशा एक्स अकेला छोड़ देगा, उसके साथ जो भी नंबर है बस उसको रोड क्रॉस करा दीजिए। रोड क्रॉस करा दीजिए मतलब ये जो रोड है, ये फाइव इधर बैठा है, इसको इस साइड ले जाना है, रोड क्रॉस करके इस साइड जाएगा, बस हमेशा एक्स को अकेला छोड़ना है क्योंकि उसको अकेला रहना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे इक्वल टू, पहले ये क्वेश्चन का क्वेश्चन डाल लेंगे, जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखते हैं सॉल्व, ठीक है, एल वी सॉरी सॉल्व, ठीक है। फिर हमने बता ली एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 17, ठीक है। फिर एक्स ये है, हमने मान लिया इसको रोड, ठीक है, ये इक्वल टू यहाँ लिख दिया। इस फाइव को रोड क्रॉस करके इस साइड लेंगे, और एक शर्त ये है, जब भी ये रोड क्रॉस करेंगे, इस रोड की शर्त ये है कि जब भी ये रोड क्रॉस करेगा कोई भी, तो इसका जो साइन है ये चेंज हो जाता है। कैसे? 17 और ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस का माइनस हो जाता है और यहाँ आ जाएगा 5। बस तो है, हमेशा एक्स को अकेला छोड़ना, उसको जो भी उसके साथ बैठा है, जो भी नंबर उसके साथ है, उसको रोड क्रॉस करा दीजिए, और जब भी रोड क्रॉस करेगा मतलब इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो बस उसकी शर्त ये है कि वो माइनस, अगर प्लस में है तो वो माइनस में जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैं समझा रही हूँ कि सिर्फ एक्स को अकेला छोड़ना है, रूट क्रॉस कराना है, और बस जो नंबर के साथ बैठा उसको रूट क्रॉस कराइए, और बस जो साइन है वो चेंज हो जाता है, जैसे रूट क्रॉस करें तो साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, 17 में से 5 गए तो कितना हो गया 12, आंसर हमारा आ गया एक्स इक्वल टू 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस 20 इक्वल टू 30, ठीक है, ये हमने ठीक है। तो x इसको हमें अकेला छोड़ना है, रोड रहिए मतलब इक्वल टू है, हमने ऐसे मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रोड से जैसे 20, ये 30 का 30 लिख देंगे पहले, तो ये जो क्वेश्चन में इस साइड जो दिया है ना वो वैसा ही लिखाएगा, आप यहाँ नहीं लिख सकते कि -20 या 20, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए 30 ऐसे लिखते चलिए, फिर इस 20 को रोड क्रॉस करके इस साइड आएगा, ठीक है, तो 20 आ गया। लेकिन ये जो प्लस है, जब भी ये रोड क्रॉस करेगा तो ये इधर आके क्या आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाते हैं इसको जैसे ये क्रॉस करते हैं रोड, ठीक है, या इक्वल टू के इस साइड आते हैं, इक्वल टू के इस साइड जब भी ये साइन आते हैं तो अपना साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 30 - 20 तो क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 10। अब ये देखिए इसमें भी यही करना है, x माइनस 5 इक्वल टू 17 है, x को अकेला छोड़ना है, रोड क्रॉस, ये रोड क्रॉस करके 17 तो लिखा ही हुआ है कि रोड के साइड 17 बैठा मतलब है, तो 17 लिखिए, रोड क्रॉस करके 5 आ रहा है तो 5 लिख दीजिए, जैसे साइन रोड क्रॉस करके आ रहा है तो चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 1 कैरी ओवर तो 22 हो जाएगा, सॉरी गलती से लिखी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 22। अब ये x है -20 इक्वल टू 30, ठीक है, तो x इक्वल टू 30 तो लिखा ही है, रोड मतलब रोड के साइड 30 तो बैठे ही है, अब इस 20 को क्रॉस कराइए, 20 यहाँ लिखिए, साइन जैसे ही रोड क्रॉस करेगा प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है तो प्लस में जाएगा, बस तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए 50, आंसर ये आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप ऐसे चलेंगे तो, बस एक्स को हमेशा अकेला छोड़ना है, बाकी जो भी उसके साथ बैठा है उसको रोड क्रॉस करके इस साइड ले आइए, और जो रोड किस साइड है वो तो पहले ही बैठा रहेगा, 30 इधर है तो इधर ही रहेगा, ठीक है, बस 20 आके पीछे लग जाएगा लाइन में, ठीक है, तो 20 इस साइड आ गया, माइनस में है प्लस में आ गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, 50 हो गया। यहाँ पर प्लस में था तो जैसे रोड क्रॉस करी तो माइनस में आ गया, मतलब इक्वल टू के इस साइड आया तो माइनस में आ गया,